दरकता गांव और सहमी जिंदगियां कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जनपद के एक छोटे से गांव सीमी का, जहां हर परिवार इस भय से डरा हुआ है कि कब उसका ये घर जमीन में मिल जाएगा। इस इलाके में 20 लोगों के घर और होटल हैं, जिनमें से अधिकांश की स्थिति ऐसी हो चली है कि वो रात के समय रोड पे गुजारा करते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो वजह ये है कि सभी के मकान धीरे धीरे जमीन में मिलते जा रहे हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह है, और शायद सरकार के लिए ये स्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण होंगी कि इन लोगों को एक बार फिर से रिहैबिलिटेट करके नए स्थान पे बसाया जा सके। हमारे साथ हैं इलाके की ग्राम प्रधान कुंवरी देवी जी, कुंवरी बर्तवाल जी। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या परेशानियां इन लोगों के सामने आ रही है और सरकारी मदद कितनी मिल पा रही है। कुंवरी जी, क्या दिक्कतें आप लोगों के सामने आ रही हैं? सर, और दिक्कत तो यह है कि एनजीओ वाले जो संस्था वाले आ रहे राहत भी ला ही रहे हैं, ये कि जैसे उन्होंने तिरपाल हमको दिए, टेंट हमको दिए, अन्य सामग्री दिए, परंतु ये है कि हमारे यहाँ पर रहने लायक गाँव नहीं रहा। कई मकान ध्वस्त हो चुके हैं और कई मकानों पर रहने लायक नहीं, जो मकान बचे हुए उनमें पूरे दरारे, उनमें मकान। हमारा मकसद यही है कि अगर हम कोई संस्था वाले हमको अगर राहत भी न देते और सरकार भी हमको किराए के पैसे न देती, हमको ऐसी जगह सुरक्षित स्थान हमको देती जहां पर हमको अपना छत हो, जिससे हम नियमित अपने छत में रह सकेंगे, एक सुरक्षित स्थान दे जहां पर हम अपना छत बना सकें। अच्छा, ये पता चला है कि सरकार ने जो जमीन आप लोगों के लिए चिन्हित की है, जहां आप लोगों को बसाए जाने की बात है, क्या वो जमीन पहले से खतरे के जद में है? जी, वो खतरे के जद में। जैसे ही हमारे गाँव में, हमारे गाँव का सामने उखी मटर दिखाई देता सुबह, और पहाड़ी जो टूट रही वो गाँव के पीछे से टूट रही है, और वहाँ जो जहाँ वो हमको हट बना रहे हैं वो सामने से दिखाई, जो हम पीठ पीठ ने देखते थे वो सामने दिखाई देगी, वो चट्टान टूटती सामने दिखाई देगी, और वो स्थान भी सुरक्षित नहीं है। हमने कहा कि हमको कुएं से उभार करके हमको खाई में गिरा रही सरकार, तो हम प्रशासन को भी हम ऐसे दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि प्रशासन भी आ जा रहा है, परंतु हमारी व्यवस्था रहने की कहीं कुछ नहीं हुई। जिन लोगों के घर टूट रखे हैं वो बाजारों में है, अभी वो टेंटों में, आप दिखाऊंगी मैं टेंटों में है और बाजारों में है, कोई व्यवस्था अभी ये नहीं हुई कि ये लोग, आप तो यहाँ पर सुरक्षित स्थान है, आप यहाँ पर रहे, कोई व्यवस्था नहीं हुई। स्थिति हम बिल्कुल ये कह सकते हैं, जहाँ से सरकार ने अपना रिहैबिलिटेशन का वर्क शुरू किया था, सरकार अभी वही है। लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। सेमी गांव से आइनेक्स लाइव के लिए दिलीप के साथ मैं